हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज मामा फेशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग निकल गए, मुझे कुछ लेना था मॉल से, तो लेने मैं निकली हूँ। और मैं देवरानी को बाहर आज जाने का बहुत मन था, तो बोले थे दीदी चलिए ना बाहर, जैसा घूम के आए हम लोग और मूड फ्रेश हो जाएगा, आज अच्छा नहीं लग रहा है घर पे, बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, तो फिर इसलिए मैं निकल गई आज। और यहाँ पर कुछ ड्रेसेस वगैरह देखी थी बट पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाने आ गए, यहाँ पे छोला चाट, बहुत दिन बाद ऐसे स्टॉल पे हम लोग खा रहे हैं, छूट गया था खाना, तो स्पेशली देवरानी का मन था इसीलिए हम लोग आए खाने पीने। और घुगनी खाएंगे, टिक्की घुगनी, उसके बाद क्या क्या खाते हैं वो आप लोग को देखते जाइए आगे। बहुत अच्छा है ये, हम लोग ऐसे फूड में अच्छा वो है खाने का। अब घुगनी खाने के बाद अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दिए हैं डोसा का आज, और आज पूरा मतलब सिर्फ घुगनी मेरा खाने का मन था। डोसा मुझे पसंद है, इसलिए देवरानी बोले कि डोसा ले लेते हैं दीदी, तो डोसा घुगनी और मोमो, मोमो भी खाएंगे अब इसके बाद हम लोग। मतलब आज पूरा मस्ती में एकदम, बहुत दिन बाद फॉर्म में आए हम लोग स्ट्रीट फूड खाने का, तो स्ट्रीट फूड तो एकदम छूट गया था एकदम। और एक ही डोसा लिए, एक ही डोसा में दो जन हम लोग खा लेंगे। और घुगनी लिए थे 3 प्लेट, बट उतना अच्छा नहीं, बस क्रिस्पी नहीं बनाया था इतना। चल जा तू यार, ठीक फेस हाइड कर रही थी वो हम लोग जानते हैं। अच्छा ये सब को बोलने के चक्कर में गलती से जोशना में स्कूल निकल गया। हाँ वहाँ से तुम लेके आती हो अपने घर से, जोशना में स्कूल आ गए तो तुम कहाँ आते हो, तुम पहुँच गए जाओगे घर। पापा सुनिए ना, सबसे बड़ा बात है क्या है, निकल रही होती बाबू के लिए पुलिस गाड़ी लाने, वो बहुत रो रहा था पुलिस गाड़ी के लिए। और ये स्कूल गया था तभी इसके पापा बोले थे कि ये स्कूल से आएगा उसके आने के बाद तुम लेके आ जाना, बट मुझे एकदम टाइम नहीं मिला लाने का, तो मैं फिर उसको सुला के निकल रही हूँ। मैं गई लाने बट मेरे देवर नीचे नीचे मिल गए, तो वो बोले कि मैं लेके आ जाऊंगा, तो फिर हम लोग ऊपर आ गए और वो फिर लेके आ गए बाबू के लिए गाड़ी। क्या बाबू इतना ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ चिंता करो, हम चलनी फोटो दिखावे। यहाँ पे बस कुछ मीटिंग चल रहा था, इधर माँ बैठी है, इधर ये लेटे हैं, देखो हम लोग हैं, और ये लेके आ गई नीतू चाय। देखो ये राधा है, देखो ये राधा है, ओ चाय आ गई। क्लिप करो अजीत हर मेहरारू भाई, देखो ये रख, देखो ये पन भैया का है ना। देखिए हम लोग में मतलब वो भसुर को देते नहीं है हाथ में चाय, तो ये चाय का कप यहाँ पे रख दी, ये खुद से ले लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह सुबह आ गई, आज है सैटरडे और किचन में आके मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ। सैटरडे को मतलब कुछ भी हो मैं खिचड़ी एकदम ज़रूर बना रही हूँ, चाहे किसी का मन हो खाने का नहीं हो, मतलब और तो कुछ सब्जी और रोटी वगैरह बनता ही है, राइस भी बन जाता है, बट मैं खिचड़ी एकदम कंपलसरी है कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छा होता है सैटरडे को खिचड़ी बनाना। और यहाँ पर देखिए मैं बनाई हूँ फूलगोभी आलू का सब्ज़ी, जो ब्रेकफास्ट में सब कोई खा लेगा, और ये खिचड़ी बनाई हूँ मैं लंच के लिए, और इसके साथ बनेगा और पटल का भाजा और पत्ता गोभी आलू का सब्जी खिचड़ी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है पटल का भाजा। पटल बना दीदी, कलर अच्छा आया ना, बहुत सिंपल, टमाटर डाले हैं, पता है अच्छा लग के टमाटर डाले हैं, अच्छा ही लगेगा। हां हां, क्या बात है, पिछली बार मसाला वाला खिचड़ी, हां इस बार टमाटर डाल के अलग टेस्ट से इस बार खिचड़ी बना रहे हैं, अच्छा लगेगा, खिचड़ी का स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। इस बार हम खुद ही हाथ लगाएंगे, आटे में सांगी तो पूरा काम। हम्म,
डिलीशियस। और इतना छोटा एज में ही माँ छोड़ के चली गई हम लोग को, भगवान भी क्या चाहते पता नहीं। और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, मतलब एक पार्टी है, किटी पार्टी। क्यों जाने वाले वो मैं बताऊंगी बाद में, होगा तो इस ब्लॉग में, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी आप लोग को। तो मैं थोड़ा देर यहाँ रह के फिर वापस मैं जाऊंगी अपने ससुराल में, उसके बाद फिर इनको लंच वगैरह कराना है। फिर इनका चैम्बर भी है आज सैटरडे, दूसरा चैम्बर है आज, इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सैटरडे को एकदम, मतलब सैटरडे हो गया आपका ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, तीन दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और बाकी दिन दिन भर तो बिजी रहते हैं, शाम को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। और फेस में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है, डार्क सर्कल्स और ज़्यादा, नींद ही पूरा नहीं हो पा रहा रात में एकदम, तो नींद ही पूरा नहीं हो रहा। और बच्चों का स्कूल खुल गया है तो और सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आज तो चलो स्कूल नहीं था तो फिर भी जल्दी उठना पड़ता है, काम वगैरह तो रहते ही है घर पर माहौल जाना। और दोनों बेटा और पापा में तो उसकी सो रहे थे, बेटी भी सो रही थी मस्ती में, मैं उठ गई थी जल्दी, तो फिर मैं घर जाके मिलती हूँ लोग से। घर आके मतलब लंच वगैरह करने के बाद, कराने के बाद मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और हम लोग अब चाय पियेंगे। चाय वगैरह पीना हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं रेडी होने। रेडी होके मतलब जा रहे हैं चाची जी के यहाँ पे, मतलब मेरी चाची जी, एक बार एक ब्लॉग में मैं आप लोग उनके घर गई थी, मैं दिखाई थी, तो उनके यहाँ मतलब मेरे देवरानी का आज इनविटेशन है खाने पे। तो मतलब हम क्या होता है कि बहू को इनविटेशन है, बट पूरा फैमिली ही जा रहा है, फैमिली में मतलब हम लोग का फैमिली है, फिर वो और भी चाचा चाची जी लोग हैं बगल में, मतलब हम लोग का खानदान बहुत बड़ा है, हम लोग मेरे ससुराल का जो खानदान है बहुत बड़ा है, तो सभी को वहाँ पर आज मिलेंगे, आप वहाँ पर दिखेंगे सभी को आपको। तो मैं जा रही हूँ, पहले बच्चों को रेडी करूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, उसके बाद निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, वहाँ क्या करते हैं कैसे क्या होता है सब मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। बस पार्टी है एक। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।